फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक कॉन्क्रीट कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। जैसे कि अगर हमको सैंड सीमेंट एग्रीगेट की क्वांटिटी अगर निकालनी है कि अगर एक एमक्यू में कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट आ रहा है तो उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, ये आप मैनुअल भी कर सकते हैं और एक आप उसका एक पूरा एक्सेल शीट बना सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपका मिक्स है उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर आपको M10 में निकालना है तो M10 में निकल जाए, M20 में निकालना है तो M20 में निकल जाए। अब ये कैलकुलेटर काम कैसे करता है मैं आपको वो बता दूँ सबसे पहले। तो जैसे मैंने यहाँ चूज़ कर लिया, अब ये सबसे मेन चीज़ है, ये चीज़ हम कैसे चूज़ कर रहे हैं, ये कैसे आ रहा है कि M20 अगर चूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए M20 के हिसाब से पूरा उसका मिक्स डिज़ाइन चेंज हो गया। M25 कर रहे हैं तो M25 के अकॉर्डिंग पूरा चेंज हो गया, पूरी कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ठीक है। अगर आपको एक MQ मतलब अगर M25 के रेशियो से अगर एक MQ कॉन्क्रीट है तो उसमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट कितना लगेगा ये आपको ये कैलकुलेटर बता देगा। हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी एक या दो, जो भी आपको पुट करना है, ठीक। दो MQ में अगर M25 का रेशियो ले रहे हैं तो सीमेंट की क्वांटिटी आपकी आएगी 22 बैग्स, सैंड की क्वांटिटी आएगी आपको 0.77 क्यूबिक मीटर, ठीक है। एग्रीगेट आएगा 1.54 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये आपको पूरी क्वांटिटी पता चल गई इस कैलकुलेटर के थ्रू। अब ये बना कैसे, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा था प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कैलकुलेटर है ये कैसे काम करता है, ठीक है। ये जो हमारा M मतलब ड्रॉप डाउन मेन्यू जो आ रही है M5 से लेकर M25 तक पूरा, और इसकी जो डाटा सीट है यहाँ पर है, ये जो डाटा सीट आप देख रहे हैं मिक्स डिज़ाइन सैंड सीमेंट एग्रीगेट जो भी है, इसकी डाटा सीट हमारी यहाँ से पूरी वैल्यू उठा रहा है और यहाँ पर कैसे आ रही है ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक दूसरा एक्सेल शीट खोलता हूँ, जैसे ये, ठीक है, ये मैंने एक दूसरा एक्सेल शीट लिया। जैसा भी आपको चाहिए उस तरह का आप एक लेआउट रेडी कर लीजिए। जैसे मैंने एक लेआउट ही रेडी किया है, ठीक है, इस वैल्यू को भी कोई मतलब नहीं है तो डिलीट कर दो। एक आप लेआउट रेडी कर लीजिए, आपको मिक्स डिजाइन सैंड सीमेंट सैंड एग्रीगेट सम ऑफ मिक्स वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इनपुट वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम सीमेंट सैंड एग्रीगेट जिस जिस की भी आपको क्वांटिटी निकाली, इसके अगर केजी में निकाले तो केजी में भी, और भी आपको क्या क्या चीज़ में अगर इसका निकालना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर आप अलग अलग टेबल बनाकर आप एक लेआउट रेडी करने के बाद यहाँ पर जो हमारा आ रहा है ड्रॉप डाउन आ रहा था, अभी देखो कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई भी सीट में कहीं भी फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ कैसे आपको निकालना है या कैसे बनाना है ये सीखते हैं, ठीक है। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, आप पहले तो इस तरह का टेबल रेडी कर लीजिए, ठीक है। इस टेबल में आप पूरा रेशियो लिख लीजिए, जो भी उसका रेशियो आता है, ठीक है, ये पूरा मैंने रेशियो मैनुअल लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सेल को नहीं पता है कि M5 में क्या रेशियो होता है, 7.5 में क्या रेशियो होता है, ये हमको मैनुअल लिखना पड़ता है। तब ये टेबल कैसे बनाएंगे, कितने कॉलम का आपको टेबल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक टेबल एक कॉलम चाहिए आपको मिक्स के लिए, सीमेंट के लिए, सैंड एग्रीगेट और सम ऑफ मिक्स, ऐसे करके आपको 5 कॉलम चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 5 कॉलम चूज़ कर लिए, ऐसा ऐसा करके 5 कॉलम, और लेंथ आप अपने मन से जितनी रिक्वायरमेंट है उतना चूज़ करने के बाद आप इंसर्ट में जाएंगे और टेबल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से जस्ट ओके करना है। लेकिन ओके करने से पहले यहाँ पर एक टिक आ रहा है माई टेबल हैज़ हेडर, आपको हेडर भी है ना मिक्स कॉलम सैंड एग्रीगेट सीमेंट का, तो इस पर आपको टिक मारना है और ओके कर देना है, ये आपका टेबल रेडी हो गया। अब इस टेबल में आपको मैनुअल वैल्यू पुट कर लेनी है M5, ठीक है, ऐसे करके मैं अभी पुट करना नहीं बताऊँगा, ये पुट किया है मैंने। अब ये हमारा टेबल तो बन गया, अब इस पर हमको लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगाना है, सबसे पहले आप फॉर्मूला में जाइए, फॉर्मूला में जाने के बाद नेम मैनेजर करके ऑप्शन मिलेगा, आप उसको क्लिक करेंगे तब देखेंगे यहाँ पर एक वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। इस वेरिएबल का नाम है मेन मेन्यू, ये मेन मेन्यू कैसे ले, ये मेन मेन्यू नहीं लेगा, ये कुछ और लेगा, तो आप यहाँ से एडिट करके यहाँ से मेन मेन्यू लिख सकते हैं। मैंने मेन मेन्यू लिख दिया है, ओके कर दिया है, ठीक है। अब आपको एक दूसरा वेरिएबल बनाना है, आप न्यू पे क्लिक करिए, इस वेरिएबल का नाम दीजिए आप ड्रॉप, आपको ड्रॉप डाउन चाहिए ना जिसमें ये M5 7 ये पूरा लिखा हुआ है, तो ड्रॉप डाउन किया और यहाँ से हमने ड्रॉप डाउन की क्या ड्रॉप डाउन करना है, यहाँ पर हमको करना है इतना चीज़ ड्रॉप डाउन करना है, ये M5 से लेकर M25 तक, और इसको जस्ट यहाँ से ओपन करके ओके कर दीजिए। आपके दो वेरिएबल बन गए, बस ये दो वेरिएबल की ही ज़रूरत थी इस सीट में, ठीक है। ये जो हमारा सीट नंबर 2 है इसमें हमने इतना काम कर लिया, अब चलते हैं सीट नंबर 1 में। अब सीट नंबर 1 में हमको क्या करना है, अब ड्रॉप डाउन कहाँ दिखाना है, हमको इस जगह पर ड्रॉप डाउन दिखाना है। K2 में हमको क्या दिखाना है, ड्रॉप डाउन दिखाना है, तो इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमको किस पे जाना है, डेटा में, डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन, ये देखिए डेटा में आप ढूंढेंगे तो यहाँ डेटा वैलिडेशन करके ऑप्शन मिलेगा, डेटा वैलिडेशन में गए, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको क्या अलाउ करना है इस सेल के लिए,
इस सेल के लिए हमको अलाउ करना है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट में हमको चाहिए ना, लिस्ट कर दिया, और क्या सोर्स देना है, तो सोर्स हमारा क्या था, ड्रॉप डाउन, ठीक है। हमने क्या लिखा था वहाँ पर, एक ड्रॉप डाउन करके वेरिएबल बनाया था ना, तो इक्वल टू का साइन लगाना है और ड्रॉप ठीक है, ड्रॉप डाउन करके ओके कर दिया हमने। जस्ट यहाँ देखो ड्रॉप डाउन आ गया, यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ गया, देखो ड्रॉप डाउन आ गया ना ये। अब यहाँ से आप जो भी चूज करेंगे, M5, M10, ये चूज तो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कुछ नहीं आ रही है। देखो यहाँ से वैल्यू उठाने के लिए M10, M25, जो भी आपको वैल्यू उठानी है, तो आपको मैच कराना पड़ेगा प्रॉपर्टी। अगर हम वहाँ पर M5 चूज करते हैं, तो M5 में रो नंबर, जो भी हमारा रो नंबर है, ये सॉरी कॉलम नंबर है, ये बी नंबर, सी, डी, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5, यहाँ से हमको वैल्यू उठानी है। तो हम जस्ट यहाँ पर गए, ठीक है, डेटा वैलिडेशन से हमने ये चीज़ ओके कर लिया। अब हमको यहाँ पर फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के लिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, ताकि आपको फार्मूला समझ में आए। अब फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला वी लुकअप। वी लुकअप क्या काम करता है, दूसरे सीट से कुछ चीज़ डाटा उठाकर यहाँ पर लाता है। तो वी लुकअप, हमने वी लुकअप लिख दिया, ठीक है। वी लुकअप लिखने के बाद टैब पे जैसे प्रेस किया, तो ये उसका फॉर्मूला एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको उठाना है कि कौन से सेल से डाटा मैच करना है। हमको कौन से सेल से डाटा मैच करना है, A2 से। यहाँ पर जो भी डाटा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ से डाटा मैच करे, कॉलम नंबर A, रो नंबर 2। हम सीमेंट के लिए डाटा हमको यहीं से मैच करना है, सैंड के लिए भी यहीं से करना है, और एग्रीगेट के लिए भी यहीं से करना है। तो हम इसको स्टैटिक करने के लिए यहाँ से हम इस सेल को चूज़ करना है, तो हम क्या लगाएंगे, डॉलर का साइन और ए, फिर डॉलर का साइन, फिर 2, हमने 2 चूज़ कर लिया। ये चूज़ करने के बाद, ठीक है, अभी तो हमारा चूज हो गया ये सेल हमारा। अब हमको देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद ये बोला है टेबल अरे दो। अब टेबल कौन सा हमारा टेबल चूज़ करना, हमने एक टेबल बनाया था मेन मेन्यू करके, हमको यहाँ पर मेन मेन्यू करना है। तो मेन मेन्यू में देखो आपको एक वेरिएबल आ गया, ये टैब का प्रेस करिए। तो मेन मेन्यू चूज होने के बाद अब आपको सीमेंट के लिए कौन सा कॉलम चूज करना है। सीमेंट के लिए हमारा कॉलम नंबर था 2, मिक्स डिजाइन के लिए हमारा कॉलम नंबर था 1, सीमेंट के लिए था 2, सैंड के लिए था 3, एग्रीगेट के लिए था 4, और मिक्स ऑफ मिक्स सम ऑफ मिक्स के लिए था हमारा 5। तो हमको यहाँ पर कॉलम नंबर 2 प्रेस करना है, फिर कॉमा लगाना है और 0 प्रेस करना है। 0 क्यों, क्योंकि ट्रू वैल्यू हम कन्वर्ट करें, मतलब अप्रोक्सीमेट मैच कर रहे हैं, कि M10 अगर तो कहीं मैच हो गया तो उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। इतना करने के बाद ब्रैकेट लगाकर आप इंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए आपका ये वैल्यू तो उठा लिया उसने, अब यहाँ से हम चूज़ करेंगे कुछ भी तो वो वैल्यू आ जाएगी। अब ये एक ही क्यों आ रही है, क्योंकि हर चीज़ के लिए हमारे यहाँ पर देखेंगे सेंट की सॉरी सीमेंट की हर मिक्स में वैल्यू एक ही है, ठीक है। अब बाकी में ट्राई करते हैं इसको, इसको हम छोटा कर देते हैं, हमको इतनी ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। जस्ट आप इस फॉर्मूले को कंट्रोल सी से कॉपी करिए और सेंड पे जाकर कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट, और एग्रीगेट में पेस्ट करिए, सम ऑफ मिक्स में पेस्ट करिए। अब सबकी वैल्यू एक ही दिखा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमको टेबल चेंज करना है। सेंड के लिए हमारा क्या टेबल था, देखिए यहाँ पर जैसे सीमेंट के लिए मिक्स के लिए 1 टेबल, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, ये 5। तो हमको सेंड के लिए क्या था हमारा, हम सेंड के लिए हमारा था 3। तो सेंड पे हमने क्लिक किया और ये फॉर्मूला जो ऊपर आ रहा है, यहाँ पर जस्ट हमने क्या कर दिया, 3 और इंटर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एग्रीगेट में यहाँ पर हमने किया 4 और इंटर। अब मिक्स ऑफ सम के लिए हमारा क्या था, सम ऑफ मिक्स के लिए था हमारा 5, इंटर। बस काम खत्म, ठीक है। अब इतना सा ही काम करना था। अब आप यहाँ से चूज़ करें M20, देखिए 1 M20 चूज़ करने पर आया 1, 1.5, 3, सम ऑफ मिक्स 5.5। ये हमारी अलग अलग पूरे सेल में वैल्यू आ गई, ठीक है। इतना सा आप काम कर लेंगे तो आपको हर बार इतनी वैल्यू नहीं डालनी पड़ेगी कि अरे M20 के लिए क्या रेशियो था, M10 के लिए क्या रेशियो था, ये सब आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट यहाँ पर जो भी आप कैलकुलेट कर देंगे एक बार, ये पूरा कैलकुलेशन आपका इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4 जो भी हम रेशियो चूज़ करेंगे, ठीक है। आप यहाँ से M7.5 लिया मैंने, उसके अकॉर्डिंग यह हो गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ये पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर बात करूँ, मैं डालता हूँ वैल्यू 1, अभी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताया हूँ कि आप ये ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे और दूसरे सीट से डाटा कैसे कॉल करेंगे, ठीक है। आप पहले इतना प्रैक्टिस करिए, अगर आपको इतना सीख गए तो ये चीज़ आपको बनाना काफ़ी आसान है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये पूरा सैंड सीमेंट एग्रीगेट सीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जब भी मैं इसका वीडियो डालूँ, एक दो दिन में ही डाल दूंगा, कल हो सके तो कल या फिर परसों में डाल दूंगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर इस टेबल बनाने में या ड्रॉपडाउन बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। मैंने बहुत सारे चीज़ें बीबीएस के बारे में भी एक्सेल शीट पे कैलकुलेटर बनाया हुआ है, जैसे ये अपना सर्कुलर स्टिरअप्स का कटिंग लेंथ निकालने का, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर कॉलम का निकालने का, और यहाँ पर आप ये वाटर टैंक का साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने जो भी आपको जितने लीटर का आपको वाटर टैंक बनाना है उसका साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब बीबीएस के आपको पूरे एक्सेल शीट आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो आप मेरे वेबसाइट चेक कर सकते हैं, अपने वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से मेरे वेबसाइट पर जाकर ये सब एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो आप एक्सेल शीट देख रहे हैं ये भी आप मेरे वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपको ये पूरा कैसे बनाना है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं तुरंत बताऊंगा, कल ही में हो सकता है बताऊंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।